एमईएस हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर गांधीनगर चित्तौड़गढ़ में ऑर्थोपेडिक विभाग का शुभारंभ रमता राम व दिग्विजय महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्थान अध्यक्ष गोविंद लाल गदिया ने बताया कि एक वर्ष में ही अभी तक 1100 बच्चों का जन्म एमईएस हॉस्पिटल में हो चुका है। यह हॉस्पिटल जर्नल वार्ड, कॉटेज वार्ड, आईसीयू, इमरजेंसी व अन्य सर्व सुविधा युक्त है। स्वर्गीय भवरलाल गद्दिया की प्रेरणा के अनुसार यहां आर्थिक अभाव ग्रस्त व गरीब आमजन का बिना किसी फायदे नुकसान के इलाज किया जाता है। डॉक्टर सचिन साक्या ने कहा कि ऑर्थोपेडिक विभाग खुलने के बाद अब वर्तमान में कंधा, कमर, घुटना एवं जोड़ों का दर्द, हड्डी के सभी ऑपरेशन व संपूर्ण इलाज नवीनतम मशीनरी, न्यूनतम पद्धति से, साथ ही साथ शीघ्र ही घुटना व कूल्हा प्रत्यारोपण जटिल ऑपरेशन भी एमई हॉस्पिटल में रियायती दरों पर उपलब्ध होंगे। वहीं इस अवसर पर पीसीओएस को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा ने वर्तमान में युवती और महिलाओं में PCOS के संबंधित जानकारियां दी। PCOS का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये आजकल की स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग लड़कियों में आमतौर पर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसके अंदर कई सारी चीज़ें एक साथ हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से होती है। मेनली आजकल की लाइफ स्टाइल और डाइट वगैरह चेंज होने से और बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, इसलिए वो तेजी से बढ़ रहा है लड़कियों के अंदर। इसमें मेनली तो महावारी की समस्याएं होने लग जाती हैं, कभी देर देर से आती है, कभी जल्दी आने लग जाती है और मोटापा बढ़ने लगता है और चेहरे पे बाल आना, मुहासे होना, तो इन सब चीज़ों से लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और स्ट्रेस में रहती हैं। और इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि अपने को अपने लाइफ स्टाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और रेगुलर एक्सरसाइज करना, अर्ली मॉर्निंग उठना, योगा करना, यही इसका मेन ट्रीटमेंट है। साथ में आप डाइट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है और फल फ्रूट्स, हेल्दी डाइट लेंगे तो जल्दी ठीक होता है। कुछ हद तक अगर नहीं ठीक हो पाता है तो हमें हॉर्मोन्स देने पड़ते हैं और डिपेंड करता है कि अगर अनमेरिड लड़की है तो अपन हॉर्मोन्स देते हैं और अगर मेरी लड़की है और वो बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रही है तो अपन कंसीव करने के लिए भी अगर हॉर्मोन्स देके उस टाइप से ट्रीटमेंट करते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। लेकिन मेन जो उसका ट्रीटमेंट पार्ट यही रहता है कि हमें आजकल के बच्चों को स्ट्रेस से निकालना है और उनको अच्छी लाइफ स्टाइल और अच्छी डाइट देने के लिए प्रेरित करना है। तो ये एक पूरा सितंबर में PCOS का अवेयरनेस मंथ होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि अधिकतर लड़कों को स्कूल के माध्यम से, स्कूल में जाके या कॉलेज में जितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, हम उनको ये अच्छा मैसेज दें, उनको दिखाएं कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसको मेंटेन करें, लाइफ स्टाइल अच्छी निकालें। एमईएस हॉस्पिटल का एक वर्ष हो चुका है, इससे पहले गायनी के हम फिजिशियंस ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इस वर्ष ही हमने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का प्रारंभ किया है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि हम डॉक्टर सचिन साक्य, जिनका 10 वर्ष का अनुभव है, पहले मेवाड़ ऑर्थोपेडिक में थे और अब अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं और लेटेस्ट और न्यू मशीन्स जो आज की तकनीकी की है वो CRM मशीन इन्होंने लगवाई है, जिससे जितने भी ऑर्थोपेडिक संबंधित ऑपरेशंस होते हैं जिनके लिए अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर जाना पड़ता था, वो अब जाने की आवश्यकता नहीं है और कम से कम रियायती रेट पर यहाँ चित्तौड़ और चित्तौड़ क्षेत्र के आसपास के पेशेंट्स के लिए यहाँ सुविधा प्राप्त होगी। 24 घंटे ये अस्पताल खुला रहता है, यहाँ MO की व्यवस्था है, इमरजेंसी की व्यवस्था है एवं यहाँ पर इमरजेंसी गाड़ी, एम्बुलेंस हमेशा 24 घंटे उपलब्ध है। इसके साथ साथ ही इस हॉस्पिटल में कॉटेज वार्ड, डिलक्स कॉटेज वार्ड, जनरल वार्ड, सारी सुविधा यहाँ हमेशा उपयुक्त रहती है, उपलब्ध रहती है और हमारे बाबूजी स्वर्गीय श्री भवरलाल जी गदिया के जो मन की इच्छा थी कि मैं एक चित्तौड़ शहर के लिए शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की सेवा भी दे सकूँ, वो इच्छा आज इन डॉक्टरों की मेहनत से मैं पूरी करने जा रहा हूँ। भगवान करे मेरे इस प्रयास में सफल।